अल्लाम वरम् सवाल ये है कि विरासत में बाप की छोटी चीज़ें सदका करना और बड़ी चीज़ों पर कब्जा करना ये कैसा है देखिए पहली बात तो ये है कि बाप की विरासत में जो चरखे में चाहे छोटी चीज़ें हों बड़ी हों सब विरासत है ये नहीं कहा जा सकता कि तकसीम से पहले कुछ चीज़ें आप सदका कर दें क्योंकि अब पहले बाप मालिक था अब वारिस मालिक है तो इसलिए कोई कह भी दे के इसको सदका कर दें तो एक ही कहने पे ये नहीं होता दूसरी शायद शर्मों शर्मी कह दें एक ही कहने पे लेकिन पहले ये तकसीम कर लें सभी ना तकसीम कर लें छोटी चीज़ें हों या बड़ी हों अब गत होता है बाप के कपड़े जूते घड़ी मोबाइल मोबाइल तो शायद बच्चे ले लें लेकिन इस तरह की चीज़ों को ना वो शायद कोई मयूब गलत समझते हैं ये कहते हैं कि इसको सदका कर दे वो भी तर्क है माँ बाप, बाप की छोटी मोटी बड़ी चीज़ें सब तर्क है हाँ बड़ी चीज़ों में तो अवमी तौर पे फिर कर ही लेते हैं जैसे गाड़ी है वो कीमती वो तो कर लेंगे लेकिन छोटी चीज़ों में कहते हैं सदका कर दें तो ये बर सही नहीं है सदका करना बुरा नहीं लेकिन एक तरीक़ा है पहले तकसीम करें सभी मालिक हैं सबको दें अगर ये कह भी रहा है सदका कर दें दूसरे दुखी दुखी कह सकते हैं देखो देखी भी हो सकता है ना कि एक ने कह दिया दूसरे जैसे बहने एक दे रही है तो शर्मोशर्मी दूसरों को भी देना पड़ता है कि हम मांगेंगे तो बुरी बनेंगी तो इस तरह होता है फिर तो इसलिए सब पहले तकसीम कर लें आपस में बाद में फिर जैसे करना है करें आपका माल है जो दिल करता है वो करें लेकिन पहले सभी मालिक हैं आपका कर्ज़ देखें वसीयत देखें ऐसा मसला तो नहीं है उसका बाद जो माल बचता है फिर वो सब की, की वैल्यू बनाएं जो भी चीज़ें उसकी की वैल्यू बनाएँ ठीक है तरके में रखें तो जो भी माहर है वो बंदा लाएँ जो इसको ये नहीं कि खुद ही बैठ के आप अपने हिसाब से तकसीम करना शुरू कर दें जो वरासत का माहर बंदा हो उससे रजू करें उससे रबता करें जो आपका सही सही तकसीम करें ये एक असूल बात है असल